नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड विधानसभा में बीते 15 दिसंबर से शीतकालीन सत्र चल रहा है। सत्र के शुरुआती दिन से ही पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाते दिखे, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी था जहां पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत में नजर आए। अब तक तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये कौन सा मुद्दा था जिसने पक्ष विपक्ष को एक कर दिया। बता दें, यह मामला नेता मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी से जुड़ा था। विधानसभा में विधायक और मंत्रियों का वेतन बढ़ोतरी का मामला एक ऐसा मामला है जिस पर किसी भी पार्टी के नेता विधायक की तरफ से कोई विरोध नहीं किया जाता है। सबके सब एक सुर में ताल बजाते नजर आते हैं। विधायकों की वेतन बढ़ोतरी की मांग पहले भी सदन में उठ चुकी है और अब मुख्यमंत्री से लेकर सचेतक नेता प्रतिपक्षों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर सिफारिश पेश कर दी गई है। वेतन वृद्धि को लेकर एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के संयोजक विश्रामपुर के भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने सोमवार को इसे सदन के पटल पर रखा। समिति के अन्य सदस्यों में पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव, भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही, महागामा की कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और बहरागोड़ा के झामुमो विधायक समीर मोहंती शामिल हैं। समिति ने अपनी अनुशंसा में मुख्यमंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सचेतकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की मांग की है, जो इस प्रकार है। समिति ने मुख्यमंत्री का वेतन 80,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने की अनुशंसा की है। वहीं स्पीकर के वेतन में भी 20,000 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की गई है, यानी स्पीकर के वर्तमान वेतन 78,000 रुपए प्रति माह को बढ़ाकर 98,000 और उपाध्यक्ष का वेतन 55,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति माह करने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री का वेतन 65,000 से बढ़ाकर 85,000 रुपए करने की अनुशंसा की गई है। वेतन के अलावा भत्तों में भी बढ़ोतरी की अनुशंसा की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री को राज्य के अंदर प्रभारी भत्ता 2,000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 3,000, राज्य के बाहर 2,500 रुपए से प्रभारी भत्ता प्रतिदिन बढ़ाकर 4,000 रुपए करने की सिफारिश की गई है। वहीं बात क्षेत्रीय भत्ते की करें तो क्षेत्रीय भत्ता 80,000 रुपए प्रति माह के स्थान पर 95,000 रुपए प्रति माह करने की भी मांग की गई है। समिति ने अपनी अनुशंसा में सत्कार भत्ता तक को भी नहीं छोड़ा। सत्कार भत्ता का मतलब होता है विभिन्न उच्च रैंक के अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके आवास या कार्यस्थल पर विभिन्न मेहमानों की मेजबानी पर होने वाला खर्च को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता। सत्कार भत्ता विभिन्न लोगों को पार्टियां, डिनर पार्टियां, लंच पार्टियां इत्यादि देने के लिए होता है। समिति ने अपनी अनुशंसा में मुख्यमंत्री का सत्कार भत्ता 60,000 से 70,000, मंत्री व राज्य मंत्री का सत्कार भत्ता 45,000 से 55,000 प्रति माह करने की सिफारिश की है। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य बनने के बाद ये 8वीं बार विधानसभा में इनके वेतन भत्ता और सुविधाओं में इजाफे को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। जबकि झारखंड पर अभी 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है और झारखंड के लगभग 46% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। झारखंड में 40% खनिज है, फिर भी राज्य में गरीबी चरम पर। राज्य में कर्ज को लेकर झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य कर्ज लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाता है। वेतन इससे पहले रघुवर सरकार के शासन में साल 2015 में बढ़ा था। सैलरी और सुविधाओं के रिव्यू का परंपरा पीरियोडिक गैप का होता ही है, इसकी जरूरत भी होती है। फिलहाल समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर पेश कर दी है। समिति की सिफारिश पर अब राज्य सरकार इस पर अपना अंतिम निर्णय लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।